लोहरदगा के चर्चित व्यवसायी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस ने सुपारी किलर षड्यंत्रकारी समेत अन्य दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 8 अप्रैल को सैन्य थाना के सेरिंगहातू में सोबरन टोली निवासी नरेश साहू उर्फ शिबू की हत्या सैलून में कर दी गई थी और एसपी ने बताया है कि पैसे के लेन देन विवाद में ये हत्या की गई थी और सुपारी किलर यूपी का रहने वाला अमरीश मिश्रा जबकि षड्यंत्रकारी मनोवर अंसारी है। इसके अलावा मुस्तकिम अंसारी और सरवर कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। शूटर अमरीश मिश्रा के पास से एक पिस्तौल और 5 चक्र जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि अभी कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। एसआईटी ने काफी गंभीरता पूर्वक अनुसंधान को प्रारंभ किया। शुरुआती दिनों से हम लोगों को कुछ लीड्स मिलने शुरू हुए। कुछ ह्यूमन इनपुट और कुछ टेक्निकल इनपुट के आधार पर तकरीबन 5 टीमों को बनाया गया। टीम झारखंड में अलग अलग हिस्सों पर रेड कर रही थी। इसके साथ साथ कुछ क्लू हम लोगों को उत्तर प्रदेश से भी मिला, तो एक टीम को हम लोगों ने यूपी भी भेजा। यूपी में गोंडा ज़िले में जाके हमारी टीम यूपी पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर जो इस कांड में जो प्रमुख अभियुक्त हैं जिन्होंने इस घटना को कारित किया है, उस व्यक्ति का नाम अमरीश मिश्रा है, उसको गोंडा में अरेस्ट किया गया। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए अमित हमारे सहयोगी लोहरदगा से जुड़ गए हैं। देखिए अमित, चर्चित व्यवसायी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है, किस तरीके से कार्रवाई की गई है? बिल्कुल सीखा, बता दें अपने दर्शकों के लोहरदगा के चर्चित व्यवसायी हत्याकांड का खुलासा करते हुए जिला पुलिस ने सुपारी किलर षड्यंत्रकारी समेत अन्य दो को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर ली है। बता दें कि सेरिंगहातू के सोबरन टोली निवासी स्वर्गीय राममोहन साहू के पुत्र नरेश साहू और शिवू की हत्या दीपक ठाकुर के सैलून में कर दी गई थी। उसको लेकर के अनुसंधान क्रम में उद्भेदन करते हुए कांड में संलिप्त सुपारी किलर को यूपी के गोड्डा से गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ 3 लोगों को लोहरदगा से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से जो मेन अभियुक्त है जो षड्यंत्रकारी है उनका नाम मनोवर अंसारी है। उसके साथ में अमरेश मिश्रा पकड़ाया है, हुसैन कुरैशी पकड़ाया है, कई लोग पकड़े हैं। इनके साथ में जो शूटर अमरेश मिश्रा के पास से एक पिस्तौल एवं 5 चक्र के जिंदा कारतूस 11,100 रुपए नगद बरामद किया गया था। बाकी सभी लोगों को जो मनोवर अंसारी थे जो मेन अभियुक्त है जिनसे रुपयों के लेन देन के कारोबार होते थे, इसमें 5 लाख रुपए में सुपारी देकर के बिल्कुल डील की गई थी। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।